चार वर्ष की उम्र में मेरे पापा महान हैं। छह वर्ष की उम्र में मेरे पापा सब कुछ जानते हैं, वह सबसे होशियार हैं। दस वर्ष तक आते आते बेटा कहता है मेरे पापा अच्छे हैं परंतु गुस्से वाले हैं। बारह वर्ष की उम्र में मैं जब छोटा था तब मेरे पापा मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते थे। सोलह वर्ष की उम्र तक आते आते बच्चे के दिमाग में आता है कि मेरे पापा वर्तमान समय के साथ नहीं चलते, सच पूछो तो उनको कुछ ज्ञान ही नहीं है। 18 वर्ष की उम्र में बेटा सोचता है मेरे पापा दिनों दिन चिड़चिड़े और अव्यवहारिक होते जा रहे हैं। 20 वर्ष की उम्र में कहता है ओहो अब तो पापा के साथ रहना ही असहनीय हो गया है, मालूम नहीं मम्मी इनके साथ कैसे रहती होंगी। 25 वर्ष की उम्र में बेटा कहता है मेरे पापा हर बात में मेरा विरोध करते हैं, कौन जाने कब वह दुनिया को समझेंगे। 30 वर्ष का होते होते बेटा कहता है मेरे छोटे बेटे को संभालना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, बचपन में मैं अपने पापा से कितना डरता था। 40 वर्ष तक आते आते बेटा कहता है मेरे पापा ने मुझे कितने अनुशासन में पाला था, आजकल के लड़कों में कोई अनुशासन और शिष्टाचार है ही नहीं। 50 वर्ष की उम्र तक आते आते बेटे को समझ आती है और वो कहता है मुझे आश्चर्य होता है मेरे पापा ने कितनी मुश्किलें झेलकर हम सभी भाई बहनों को बड़ा किया, आजकल तो एक संतान को बड़ा करने में ही दम निकल जाता है। और 55 वर्ष का होते होते बेटा कहता है मेरे पापा कितनी दूरदृष्टि वाले थे, उन्होंने हम सभी भाई बहनों के लिए कितना व्यवस्थित आयोजन किया था, आज वृद्धावस्था में भी वह संयम पूर्वक जीवन जी सकते हैं। 60 वर्ष का होने पर ही बच्चे को सद्बुद्धि आती है और वो कहता है मेरे पापा महान थे, वह जब तक जिंदा रहे हम सभी का पूरा ख्याल रखा। सच तो यह है दोस्तों कि पापा यानी पिता को अच्छी तरह समझने में पूरे 60 साल लग जाते हैं और तब हम सब कुछ खो चुके होते हैं। बेहतर यही होगा कि आज के जमाने में हम हमारे मम्मी पापा का सम्मान करें, उन्हें खूब सारा प्यार दें और उनका ख्याल रखें। नमस्कार।